सभी देशों में सबसे मेहनती देश माना जाने वाला जापान लगभग 6,800 द्वीपों से मिलकर बना है। जापान प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार तबाह हो चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद जापान ऐसी परिस्थितियों से बहुत जल्द उबर जाता है। आज की इस वीडियो में हम जापान के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत चौहान और आप देख रहे हैं रहस्य टॉक शो। यदि आप आजकल हमारे देश भारत के अखबार उठाकर देखेंगे तो ज्यादातर खबरें राजनीति, अपराध व मूवी मसाला आदि से संबंधित होती हैं, लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के अखबारों में केवल आधुनिक तकनीक और रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली उपयोगी खबरें ही छपती हैं। एक छोटे से देश जापान में 50,000 लोग ऐसे रहते हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से भी अधिक है। जापान में प्रत्येक वर्ष 1500 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं, अर्थात औसतन 4 भूकंप जापान में प्रतिदिन आते हैं। लेकिन इसके बावजूद जापान दुनिया की दूसरी सबसे सशक्त व बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। हमारे देश में जहां नर्सरी के बच्चे को भी पहली क्लास में पहुंचने के लिए परीक्षा देनी होती है, वहीं जापान में जब तक बच्चे 10 वर्ष के नहीं हो जाते उन्हें कोई परीक्षा नहीं देनी होती। फुगू जापान के सबसे लोकप्रिय पकवानों में से एक है। असल में यह डिश एक बहुत ही जहरीली मछली से बनाई जाती है। चौंका देने वाली बात यह है कि इस मछली को केवल लाइसेंस प्राप्त कर चुके रसोइया ही पका सकते हैं, जो कि इस डिश को कस्टमर को परोसने से पहले खुद चखते हैं कि कहीं यह जहरीली तो नहीं। इस लाइसेंस को प्राप्त करने में रसोइये को 7 से लेकर 11 साल तक का लंबा समय लग जाता है। आप हैरान रह जाएंगे कि जापान में 90% से भी अधिक मोबाइल वाटरप्रूफ है, क्योंकि जापान के लोगों को नहाते समय भी मोबाइल यूज करने का शौक है। आज जहां भारत में अपनी मातृभाषा हिंदी में काम करना व बोलना कई बार शर्मिंदगी का कारण बन जाता है, वहां जापान में शिक्षा समेत सभी सरकारी कामकाज वहां की मातृभाषा जापानी में ही होते हैं। दूसरे देश की यात्रा करते समय जापानी लोग ट्रांसलेटर का प्रयोग करते हैं। अपनी भाषा प्रयोग करने में जापानी लोग फख्र महसूस करते हैं। जापान की साक्षरता दर 100% है, जो कि दुनिया के सभी देशों में सबसे ज़्यादा है। जापान में बहुत सी बिल्डिंग ऐसी हैं जिनके बीच से होकर हाईवे गुजरता है। पूरी दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जो अपने देश की नागरिकता किसी मुस्लिम को नहीं देता। यहाँ मुस्लिमों को किराए पर कमरा मिलना भी नामुमकिन है। जापान में लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गर्लफ्रेंड व बॉयफ्रेंड किराए पर ले सकते हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जापान की तरह भारत देश का भी सारा कामकाज हमारी मातृभाषा हिंदी में होना चाहिए या नहीं। वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर भी जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।